हेलो दोस्तों, आप लोग का इस रीडिंग में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग को इंग्लिश का पूरा बताया किस तरीके से आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा खासा फोड़ के आना, अच्छा खासा यहाँ पर 70-75 नंबर इजिली ला सकते हो, जो मैं ट्रिक बताऊँ उस तरीके से। आज मैं यहाँ पर मराठी का लेकर आ चुका हूँ, मराठी में किस तरीके से आप लोग को करना है और कैसे करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं पहले से आप लोग को बता के रखता हूँ, जिसको इस वीडियो को नहीं देखना वो जा सकता है मेरे भाई, कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि आप लोग को कंपलसरी कि इस वीडियो को देखो। तो मेरे भाई, जिसको अच्छा खासा स्कोरिंग करना और जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम देने वाला है वो खास करके देखना इस वीडियो को। और 9th और 10th का इंग्लिश हिंदी मराठी का पेपर पैटर्न सेम है और ग्रामर, यहाँ तक कि ग्रामर भी सेम रहता है। तो इसके लिए इस वीडियो को 9th वाले भी अच्छी तरीके से वॉच कर लेना, क्योंकि 80 मार्क का आप लोग का भी एग्ज़ाम होने वाला है। अब इससे किस तरीके से करना है सब कुछ बताऊंगा, फटाफट आप लोग देख लेना, सुन लेना। अब ये सोचोगे सर तो पेपर पैटर्न बताएंगे, तो नहीं मेरे भाई, मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को अच्छी तरीके से अगर सुन लिए तो आप लोग इजीली यहाँ पर जाके एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम बहुत जगह पर स्टार्ट हो चुका, बहुत जगह पर हो भी चुका है बहुत सारा पेपर। तो मैं आज यहाँ पर मराठी का लेकर आ चुका हूँ, मराठी किस तरीके से आप लोग को करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए सब कुछ आप लोग को बताऊंगा कहाँ से करना है। इसके लिए लास्ट तक वीडियो को बने रहना और चैनल फर्स्ट है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से 50K मेरे भाई कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, जो 50K आप लोगों को सपोर्ट और प्यार से हो चुका। अब यहाँ पर आप लोग को मैं बताता हूँ किस तरीके से आप लोग को मराठी का अच्छी तरीके से करना है और कैसे आता है एग्जाम में सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले 80 नंबर का एग्जाम, आप लोग को क्या क्या चीज़ उसके अंदर आएगा सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले आप लोग का विभाग जो एक आता है गद्य विभाग आता है, ध्यान से सुना, ये मत सोचना पेपर पैटर्न बता रहे मैं चले जाऊँ, वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में एक कमेंट प्यारा से करना कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो, याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप लोग फटाफट कमेंट कर देना। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या चीज आएगा ध्यान से सुनना, सबसे पहले विभाग एक रहेगा गद्य विभाग, जो आप लोग को यहाँ पर 18 नंबर के लिए दिया जाता है। इसमें पठित गद्य, पठित गद्य मतलब आप लोग के टेक्स्ट बुक का जो भी पैराग्राफ रहेगा वो चीज आएगा। गद्य पद्य विविधता आता है, तो बट यहाँ पर गद्य दिया गया पठित गद्य, आप लोग को जो टेक्सुअल पैसेज रहेगा वो चीज प्रश्न नंबर पहले में दिया रहेगा। सिंपल तरीका 7 नंबर के लिए, याद रखना 7 नंबर के लिए पहला पैराग्राफ दिया रहेगा। एक्टिविटी के ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्टिविटी के माध्यम से। और सौमत जो आएगा, याद रखना सौमत बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं एग्जाम में, तो मेरे भाई उसी के रिलेटेड आप लोग को 2 से 3 लाइन लिख के ही आना, क्योंकि सौमत आपके ऊपर है किस तरीके से लिखते हो। सौमत मतलब स्वयं की, स्वयं अपनी इच्छा क्या चीज़ बता रहे उसके रिलेटेड क्वेश्चन को पुटअप करना है आंसर। अब ये 7 नंबर को आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे और एक्टिविटी के माध्यम से सबसे ज़्यादा रहने वाला है। अब उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर आएगा प्रश्न नंबर पहले का आ में, ये भी 7 नंबर के लिए एक क्वेश्चन और रहेगा। पुढ़ उत्तरांचा आधारित दिल्याच्या सूचना अनुसार कृति करा, मतलब सिंपल तरीका ये भी एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी में से आप लोग को आंसर ढूंढ के करना है अच्छी तरीके से। इसमें भी एक सौमत आएगा, जो सौमत आप लोगों को 3 मार्क के लिए हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये भी 7 नंबर का होगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपल तरीका क्या करना है देखो, ध्यान से सुनते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग को एग्जाम के लिए। अब आता अपठित, देखो पठित 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 दो बार पठित आया था 7-7 नंबर के लिए पहले विभाग में। पद्य विभाग में आप लोग को देखो, गद्य विभाग में दो बार आप लोग को पठित गद्य आया, पठित गद्य। अब एक अपठित गद्य आएगा, वो भी से 4 मार्क के लिए रहेगा, कितने नंबर के लिए, से 4 नंबर के लिए रहेगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हो 100% आप लोग का बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। और ग्रामर का तो बिंदास रहो, मैं बता दूंगा कहाँ से करना है। और देखो इसमें 4 नंबर के लिए रहेगा, ये भी पैराग्राफ दिया रहेगा, एक्टिविटी के माध्यम से क्वेश्चन पूछा रहेगा 4 नंबर के लिए, वो भी पैराग्राफ दिया रहेगा। अब आता है विभाग जो आप लोग का दूसरा दिया गया, दूसरा दिया गया है पद्य विभाग, जो आप लोगों को कविता बोलते हो वो चीज। अब इसमें 16 नंबर के लिए ये चीज है, 16 नंबर के लिए। और देखो 8 नंबर के लिए एक आप लोगों को पैराग्राफ दिया, सबसे पहले 8 नंबर के पुढ़ कविता आधारित दिले सूचना अनुसार कृति करा, प्रश्न नंबर दूसरे का अ। अब इसे एक्टिविटी के माध्यम से सब कुछ दिया गया, जस्ट उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया। देखो यहाँ पर ये सब दिया गया आप लोग को, अब इसे दूसरा दिया गया सब कुछ उसी में। तो 8 नंबर के लिए ये चीज हो गया, जस्ट उसके आगे आ जाओगे एक क्वेश्चन है, 8 नंबर ये हो गया।
और उसके आगे एक क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है जो यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का आ में, प्रश्न नंबर दूसरे का आ में क्या चीज आने वाला उसको ध्यान से सुनना क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। अब इसे आएगा पुढ़ पंखी कोणते एक कविता से संबंधित या खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृति सोळवा, इस तरीके से लिखा गया। अब इसमें आप लोग को नाम दिया दोन दिवस और अवक्षण, दोनों का सिंपल तरीका अप्रिसिएशन लिखना, बस अप्रिसिएशन किस तरीके से लिखना आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग इजिली कर सकते हो अप्रिसिएशन किस तरीके से करना है। मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे सर अप्रिसिएशन पे एक सेपरेट वीडियो लाओ किस तरीके से अप्रिसिएशन हम लोग इजिली ट्रिक वाइज लिखें, तो आप लोगों को बस फटाफट कमेंट कर देना है कि अप्रिसिएशन का वीडियो लाओ सर। मैं आज शाम तक, अगर आप लोगों को कमेंट आया तो मैं आज शाम तक ही वीडियो एक लेकर आऊँगा जो अप्रिसिएशन का रहने वाला है। अब इससे दो आप लोग का कविता चाहे कवि कवित्री का नाम लिखना रहेगा एक मार्क के लिए, उसका कविता चाहे विषय एक नंबर के लिए, कविता दो नोड़ी चाहे सरल अर्थ कैसे लिखना है दो नंबर के लिए रहने वाला है, और उसके बाद आवड़त ना आवड़त वो सब लिखना आप लोग को, सिंपल तरीका है आप लोग को आठ नंबर ए भी रहेगा, ए आपके हाथ में मेरे भाई आठ नंबर। अब उसके बाद आप लोग को सिंपल तरीका क्या करना है देखो, उसके बाद आ जाएगा स्थूल वाचन, स्थूल वाचन का मोस्ट इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कौन कौन सा करना है आप लोग को, छह नंबर के लिए आने वाला है। पुढ़िल कोणते दोन कृति सोळवा, सिर्फ दो करना है, दो करना है विभाग तीसरे में स्थूल वाचन में, सिर्फ छह नंबर के लिए आने वाला है, छह नंबर के लिए आएगा, छह नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लेना, बहुत पहले मैं वीडियो बना चुका था उसको देख लिए आप लोग इजिली यहां पर छह नंबर फिक्स हो जाए कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए। याद रखना यहां पर बार्क और पानी है जीवन सूर्यानी पंक्ति तीन क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में, तो मैं पहले बता रहा हूं इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करते रहो। अब उसके बाद आप लोगों को सिंपल तरीका विभाग आ जाता है चौथा, जो 16 मार्क के लिए आप लोगों को ग्रामर आने वाला है, 16 नंबर के लिए भाषा अभ्यास आने वाला है। तो भाषा अभ्यास में बहुत सारा चीज आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन ऑफ 4 का अ आप लोगों को पूरा पूरा जो दिया गया है भाषा अभ्यास ओ विभाग जो चौथा है, ए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करना और भाषा अभ्यास पूरा एक ही वीडियो में आप लोगों को 16 मार्क फिक्स हो जाएगा। मैं गारंटी मैं लेता हूं कि उसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा जाएगा वो भी रीज़न बताता, क्योंकि मैं 21 लेकर बैठा हूं नवनीत का, और आपके स्कूल में भी नवनीत ही चलाया जाता है, और इसके इस बार 2024 में बहुत अच्छा चीज़ किया गया था जो बार बार रिपीट हुआ 2019 से लेकर 2024 तक उसमें मेंशन किया गया, वो खास करके क्वेश्चन मैं उसमें लिया हूं, और उस चीज़ को अगर आप लोग करके उस वीडियो को अच्छी तरीके देख के जाते हो 16 मार्क यहाँ से आप लोग का फिक्स हो जाएगा, मैं पहले से आप लोग को बता के रख दे रहा हूँ। अब आता है आप लोग का प्रश्न नंबर पाँचवा अ, अब यहाँ पर पाँचवा आता है उपयोजित लेखन, आप लोग का 24 नंबर के लिए आने वाला है 24 मार्क को। अब यहाँ कौन से पंक्ति एक कृति सोळवा, मतलब एक करना है पत्र लेखन लिखो सिंपल तरीका, या तो सारांश लेखन लिखो। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग का पत्र लेखन ही लिखना, क्योंकि पत्र लेखन बहुत ईजी रहेगा आप लोग ईजिली कर सकते हो। देखो तीन टाइप के होते, एक अभिनंदन पत्र होता है, मांगनी पत्र और विनती पत्र, और एक तकरार पत्र आता है। ये तीनों में से मांगनी विनती और तकरार तीनों में से एक पत्र आप लोग को अटैम्प्ट करना है। अच्छे अभिनंदन वाला कभी भी मत करना याद रखना, और लेटर वेटर का सब कुछ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहां से इजिली जाके आप लोग को करना है, पूरा टोटल करना है याद रखना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है देखो, अभिनंदन सारांश सारांश और ये पत्र में आप लोग को ऑप्शन है कौन सा करना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा इसमें से आप लोग को क्या करना है हमेशा पत्र लेखन ही करना, सारांश नहीं करना। अब आता प्रश्न नंबर पाँचवें का आ, पुढ़ पंखी कोणते दोन कृति सोळवा, मतलब तीन दिया रहेगा उसमें से दो करना रहेगा। देखो जाहिरात लेखन बातमी लेखन कथा लेखन, तो मैं बोलूँगा इसमें से जाहिरात लेखन और एक बातमी लेखन करो। जाहिरात का मीनिंग क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजिंग विज्ञापन, तो आप लोग जाहिरात लेखन सबसे अच्छा है, जाहिरात करना एंड उसके बाद एक बातमी लेखन करना। बातमी लेखन मतलब जैसे हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट होता है
वो चीज आप लोग को करना है, बातमी लेखन और ये क्या करना है, जाहिरात लेखन, कथा लेखन नहीं करना है। याद रखना इस तरीके से मेरे भाई, यहाँ तक अपने आ चुके हैं लास्ट वाले पे इजिली आप लोग को। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर पांचवे का ई, लेखन कौशल्य, जिसमें आप लोग को तीन दिया रहेगा, तीन में से आप लोग को कोई एक करना रहेगा। जैसे निबंध जिसे बोला जाता है, ये चीज आप लोग को 8 मार्क के लिए रहने वाला है, 8 नंबर के लिए रहने वाला है। तो इजिली आप लोग को इसमें से कोई भी तीनों में से एक करना रहेगा, 2 पेजेस आप लोग को जाना। इस तरीके से 80 मार्क का जो भी था वो मैं चीज़ आप लोग को बता दिया। और आप लोग को एक बार डिस्कशन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर पूरा पूरा भाषा अभ्यास और ये जो पत्र लेखन उपयोजित लेखन सब कुछ इसी वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट आए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना।